हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम बना रहे हैं पूरन पूरियाँ, और यहाँ पर इतने सारे आप देख सकते हैं बना कर रख लिए हैं। और यह पूरन छोटे छोटे ऐसे पेड़े बना कर रख लिए हैं, और ईद की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर पत्ते भी बेल कर रख लिए और छोटे बना लिए हैं, और उसमें भी पूरन भरेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऐसे पत्ते में पूरन भर लिया है, बिल्कुल छोटे बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये पूरन के हैं, और इसके साथ चोबे की भी बनाते हैं हम। और आप देखिए, मैंने चार बना लिए और यहाँ पर भी ऐसे बना कर रख लिए हैं। और इसको फ्राई करने के लिए अंदर ले जाऊंगी मैं किचन में। अभी थोड़ा बचा है पूरन, और है चोबे के शक्कर और चोबा और बारीक सूजी ड्राई फ्रूट्स डालकर बना लिया है। तो मैं किचन में जाती हूँ, तो आप भी चलिए। यहाँ पर कढ़ाई में तेल रखा है और गर्म हो चुका है, और उसमें डालेंगे। यहाँ पर थोड़े तल कर ऐसे रख लिए हैं। तो फ्रेंड्स, हमने पूरन पूरी की बना ली है, और चोबे की बना रही हूँ मैं, और ऐसे पेड़े बना कर रख लिए हैं। और उसके लिए मैंने थोड़ा ऑयल लिया है, और ये है चोबा, चोबे की बना रहे हैं। इसमें खोपरा और ड्राई फ्रूट्स, शक्कर, बारीक सूजी मिलाकर अच्छे से इसको फ्राई कर थोड़ा भून लिया है, थोड़ा घी डालकर। चीनी आप टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। और ऐसा हमने बना लिया है पूरन पूरी में भरने के लिए। तो मैं अब बेलूंगी पूरियां। और मैंने ऐसे पत्ते बेल लिए और उसमें भर देंगे चोबा। ये पत्ता डालकर ऐसे इसको दो तीन डिजाइन मुझे आते हैं, तो मैं आपसे शेयर करती हूँ। अच्छे से दबा लेना है, क्योंकि तेल में
फ्राई करते तब खुल जाता है इसका मुंह। मुंह कहते हैं आप क्या। और ऐसे डिजाइन बना लेंगे। तो मैंने ऐसी एक पूरी बना ली है और तो इसको फ्राई कर लेंगे। साइड में रखती हूँ और थोड़े डिजाइन जाते हैं वो बनाऊंगी। तो ऐसे पूरा ऐसे रख दिया है और इसको फोल्ड कर लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाते हैं ऐसा। तो एक बनकर तैयार हुई है और उसमें साइड में रख देती हूँ उसे। जब इसमें चाहे 10 बजे 11 बजे थे क्योंकि और इसे चम्मच की मदद से मैं इसे डिजाइन बनाती हूँ। फ्राई करने के बाद ये डिजाइन बहुत ही अच्छा लगता है। और ये एक डिजाइन की हो गई है और इसको एक डिजाइन बना लेंगे। फर्स्ट एक कोना ऐसे दबाकर फिर सेकेंड ऐसे करेंगे। हाँ जाने छोड़ो बेटे। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे ही फोल्ड कर लेते करते ऐसे लेंगे। ऐसे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने ऐसा बना लिया है। मुझे जैसा आता है मैं आपको ऐसा बनाकर बता रही हूँ। और इसका एक डिजाइन बनाएंगे ये चम्मच की मदद से। धीरे धीरे करके बनाएंगे तो अच्छे बनते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इतना अच्छा बन गया डिजाइन। तो मैंने इतनी बना लिए हैं पूरियां और यहाँ पर एक सूप में ऐसे बना कर रख लिया है। तो मैंने इतनी बना लिए हैं पूरियां और यहाँ पर एक सूप में ऐसे बना कर रख लिया है। तो ये बैंगन की सब्जी और यहाँ पर बैंगन
और प्याज डाल दिया और उसमें डाल दिया हल्दी। धनिया मसाला सांभर का, ये है सांभर मसाला। और इसमें हरी मिर्च का पेस्ट डालते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे चोबे की पूरियां बनकर तैयार हो गए हैं। और ये है बैंगन का सालन बना लिया है। और यहाँ पर चौड़े पूरन पूरी बना लिए है। और ये है चटनी। और यहाँ पर राइस बना लिया है। और ये है कड़ी। तो हमारी ईद की तैयारी इतनी सारी हमने कर ली है और इसे पूरन पूरी है। तो हमारा सारा काम हो गया है और इसमें पकोड़े और बढ़िया तलने का एक बाकी है। तो हम वापस चल रहे हैं और सब खाना बना लिया है। पकोड़े बनकर तैयार हो गए। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइएगा आपको कैसा लगा। मुझे बहुत खुशी होगी आप बताएंगे तो। हाय फ्रेंड्स, तो आज हम ईद की तैयारी कर रहे हैं और ये पूरियां बनाते हैं ना, तो मैं आपसे शेयर करती हूँ हम लोग कैसे बनाते हैं। तो हम सब लोगों की तरफ से आप सब लोगों को ईद मिलाद-उन-नबी मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो।